अगली खबर आ रही है आगामी त्योहार दीपावली में पर्दा गैंग को लेकर। यदि आप दिवाली की खरीदारी करने सिटी बसों में बैठकर बाजारों में जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। राजधानी भोपाल में पर्दा गैंग फिर से एक्टिव हो गई है। कुछ सिटी बसों में पर्दा गैंग और जेब कट गैंग की मौजूदगी सामने आई है। बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों में खुलासा होने के बाद पुलिस और बीसीएलएल के अधिकारी कर्मचारी चेकिंग करके मैदान में उतर गए हैं। यह चेकिंग त्योहार और उसके बाद भी चलती रहेगी। शहर में पिछले 1 महीने के भीतर बसों में चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। सितंबर में ही पुलिसकर्मी और नर्स को पर्दा गैंग शिकार बना चुकी है। यह गैंग 10 से 12 सेकंड में ही पर्स या बैग से रुपए और सामान उड़ा देती है। सीसीटीवी कैमरों में गैंग के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। इसके बाद महापौर मालती राय ने पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को लेटर भी लिखा था ताकि बसों में नियमित चेकिंग हो सके। महापौर के लेटर लिखने के करीब 15 दिन बीतने के बाद भी चेकिंग शुरू नहीं हुई। ऐसे में पर्दा और जेब कट गैंग फिर से एक्टिव हो गई। 3 दिन पहले ही हलालपुरा बस स्टैंड पर खड़ी सिटी बस में जेब कटी का विरोध करने पर 2 जेब कतरों ने एक यात्री पर छुरे से हमला कर दिया था। इससे यात्री लहूलुहान हो गया। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस चेकिंग करने के लिए उतर गई। मंगलवार को ही कई बसों में चेकिंग की गई। यह चेकिंग लगातार चलेगी। भोपाल में 325 सिटी बसें दौड़ती हैं जिनमें रोज एवरेज 1.25 लाख यात्री सफर करते हैं। सितंबर में सामने आई 2 वारदात ने पर्दा गैंग का खुलासा किया है। ये 2 वारदात है जिन्हें लेकर शिकायतें हुई हैं, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टरों की माने तो हर दूसरे तीसरे दिन पर्स बैग से रुपए या अन्य सामान चोरी हो रहा है। शिकायत न होने पर आगे की कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।